अस्सलाम वालेकुम। 22 सितंबर को इमरान खान के ऊपर फर्द जुर्म आयद होगी। आज एक अफसोसनाक ये सूरत हाल थी कि अदालत इंतज़ार करती रही आर्गूमेंट्स के दरमियान में और बार बार कहती रही कि आपके जवाब से हम मुतमईन नहीं हैं, यह अदालत मुतमईन नहीं है और ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट का केस है। बड़ी क्लैरिटी है उसके अंदर कि वो क्या कह रहे हैं और वो क्या तवक्को रख रहे थे इमरान खान से, लेकिन उनकी जो भी पॉलिटिकल एडवाइज़र है या जो टीम है जो उनको एडवाइस कर रही है, बाज़ अवक़ात ऐसा महसूस होता है कि एक बड़े लीडर को धक्का देने में चंद लोग रोल अदा करते हैं। आप इतना ऊपर चढ़ा के नीचे से सीढ़ी खींच लें कि बाद में गिरते हुए कोई संभालने वाला भी ना हो। इमरान खान के साथ कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं, मुझे आज वाले केस से तो ये तासुर मिला है, क्योंकि अदालत में जस्टिस अतर मनिल्ला के रिमार्क्स पढ़ लें या जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स पढ़ लें, पाँचों जजों ने एक ही राय दी है और वो राय ये थी कि आपने क्रिमिनल कंटेम्प्ट की है और आपका जवाब जो है तसली बख्श नहीं है। ये तहरीरी भी जो हुक्मनामा बाद में जारी हुआ उसके अंदर भी उन्होंने लिखा है कि जवाब तसली बख्श नहीं है। और वो तोको क्या करते थे, अनकंडीशनल अपॉलोजी, और अनकंडीशनल अपॉलोजी के साथ नदामत का इजहार और ये कमिटमेंट के दोबारा ना ये नीयत पहले थी और ना दोबारा आपकी ये नीयत है और कभी भी आप अदलिया के ख़िलाफ़ ऐसा कुछ करने का इरादा नहीं रखते। ये अल्फाज जितना जल्दी इमरान कह देते उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट कम आती, लेकिन ये अल्फाज कहने पड़ेंगे क्योंकि ना कहने की सज़ा 5 साल की नहली है। ये नहीं है कि कंटेम्प्ट में पकड़ के कुछ जेल में डाल देगा, वो भी अदालत डाल सकती है, लेकिन उसकी तवक्को बहुत कम होती है। यूसुफ रजा गिलानी को जब वो अदालत हुक्म दे रही थी कि ख़त लिखो, तो वो डिफाई कर रहे थे, अदालत के हुक्म के ऊपर अमल नहीं थे कर रहे, तो उस हुक्म अदूली के ऊपर सेकेंड की उनको टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट था, जजों ने फैसला लिख के खड़े होना था, बस इतनी सज़ा थी और 5 साल के लिए नहली होगी वज़ीर आज़म की। और ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, अगर कंटेम्प्ट के ऊपर अदालत जो अपना माइंड दे चुकी है उससे पीछे नहीं हटेगी, चार्जेस फ्रेम करने का भी कह दिया कि फर्दे जुर्म आयद करेंगे उससे भी पीछे नहीं हटेगी, तो क्यों नहीं ये आज ही इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लिया गया। मैं इसको अभी तक तो समझने से कासिर हूँ, क्योंकि ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी नहीं हो सकती कि आप दोबारा जाएँ और दोबारा अदालत के सामने पेश हों और सियासी तौर पर ज़्यादा रसवाई का सामना करें। पहले दिन अदालत के सामने अपने आप को सबमिट कर देना, इजहार नदामत करना, और अगर अल्फाज को वो मानी है जो अदालत ने उसको समझे हैं कि अदालत ने सोचा कि एक मातहत अदलिया की जज साहिबा के ख़िलाफ़ तोहीन अमेज़ रवैया था और आपने इंटिमिडेट किया है उन जज साहिबा को, क्योंकि इनके ऊपर जो पर्चा है वो भी यही है इंटिमिडेट करने का, तो आपको फ़ौरन माफ़ी मांग लेनी चाहिए, फ़ौरन टाइम ज़ाया करे बगैर। और एक बड़े लीडर के लिए अदालत के सामने पेश होकर माफ़ी मांग लेना और कहना कि मैं अदलिया की इज़्ज़त और तकरीम की खातिर किसी हद तक भी जाने को तैयार हूँ, उससे वो छोटा नहीं पड़ता, लेकिन आप जितना डिफाई करके जाएंगे माफ़ी फिर भी मांगनी पड़ेगी, तो फिर वो चीज़ वो ऑप्शन आपकी वो जो इज़्ज़त तकरीम आप ले सकते थे पहली पेशी के अंदर, वो आप हक़ ख़त्म कर देते हैं, खो देते हैं। आज प्रोग्राम के अंदर इसी मौजू के ऊपर बहस करने के लिए हमारे साथ शेख वकास अकरम साहब हैं, सीनियर सियासतदान, वेरी वार्म वेलकम सर। हुसैन शाहनवाज रांझा PMLN से और सलमान अकरम राजा साहब मारूफ माहिर कानून सब हमारे साथ होंगे। इसके अलावा जस्टिस शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। जस्टिस शाइक उस्मानी साहब आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। क्या आज मुनासिब था रवैया जो अपनाया गया इमरान खान की जानिब से, या फ़ौरन माफ़ी मांगनी चाहिए थी, या अब ठीक है कि चार्जेस को फ्रेम होने दें फर्द जुर्म आयद होने दें? देखिए नदीम साहब, बात यह है कि ये इंडिकेशन तो कोर्ट ने लास्ट हियरिंग में दे दी थी कि जो उनका जवाब था वो मुनासिब नहीं था पहला वाला, और उन्होंने हिंट काफ़ी दे दिए इनके वकला को कि आप इसका कुछ और जवाब बनाएं। उनका मकसद ये था कि कोई ऐसा जवाब बनाएं जो कि कोर्ट को एक्सेप्टेबल हो, और जहाँ तक के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं, सारे वकील जानते हैं, जितने सीनियर वकील हैं सब जानते हैं कि जो एक ही डिफेंस होती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में वो ये कि आप अपने आप को कोर्ट की रहम और करम पे छोड़ दें, तो कोर्ट आम तौर से उसको माफ़ कर देती है। ये चीज़ सब जानते हैं, कोई ऐसा शख्स वकील नहीं है जो इस चीज़ को नहीं जानता। अगर ना भी आप इस पोजीशन में हो फिर भी आप ये कह दें ताकि आपकी जान छूट जाए। लेकिन ये जो उन्होंने जवाब बनाया उसके वो जवाब में उन्होंने जिस तरह के कोर्ट ने कई दफ़ा कहा कि आप तो जस्टिफाई कर रहे हैं, आपने ये नहीं कहा कि आप इससे नदामत है आपको ये करने में, आपने जस्टिफाई कर रहे हैं आप, तो बार बार हिंट्स दिए, और उस वक्त भी मौका था कि वो खड़े होकर कह देते हैं कि जी मैं आप माफ़ी मांगता हूँ और अपने आप को आपके रहम करम पर छोड़ता हूँ, लेकिन नहीं किया उन्होंने। अब उसकी क्या स्ट्रेटजी थी, उनकी सियासतदान की अपनी स्ट्रेटजी होती है, हम तो वकील लोग हैं हमें पता नहीं, लेकिन उनकी अपनी स्ट्रेटजी थी। सर आप बीइंग ए फॉर्मर जज, आपसे मैं अगर ये राय पूछूं कि एक बड़े सियासतदान को, बड़े सियासी लीडर को जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी है, एक सियासी जमात का सरबरा भी है, अदालत के सामने अपने आप को अगर वो ये कहता है कि अनकंडीशनल अपॉलोजी करता हूँ और ख़ुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूँ, इससे उसकी इज्जत बढ़ती है कि घट जाती है?
देखिए, इसमें बढ़ने और घटने की बात नहीं, यहाँ पे तो मामला बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि एक जो कोर्ट ने बार बार एम्फेसाइज किया, कोर्ट को फिक्र ये थी कि आपने एक छोटे जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के खिलाफ बात की और इससे आप जुडिशियल सिस्टम को अटैक कर रहे हैं। अब आप ये देखें कि हर रोज हंड्रेड्स ऑफ केसेस जो है डिसाइड करती है छोटी कोर्ट, तो अगर आप उनको अंडर प्रेशर रखेंगे, कोई भी खड़ा होकर उनको धमकी दे देगा तो कभी कोई फैसला हो ही नहीं सकेगा। ये एक चीज कोर्ट ने बार बार पॉइंट आउट की। तो इस मौके पर तो ये बिल्कुल बिल्कुल सही था कि अगर वो इमरान खान साहब इस चीज को समझ जाते और कहते हाँ ठीक है जी, इस मैं यकीनन माफी मांगता हूँ, आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा, लेकिन नहीं किया। उनकी अपनी स्ट्रेटजी है सर, दो ऑप्शन अगर सामने रखें तो अभी भी दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन, पहली जो मुझे लगता है ज़्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन है, वो तो इमरान के पास अभी भी यही है कि 22 तारीख तक माफ़ी मांग लें ताकि उनकी जान छूट जाए यहाँ से। लेकिन अदर ऑप्शन जो है चार्जेस फ्रेम होने वाली, वो अगर शुरू हो जाती है तो फिर अदालत की मर्जी और मंशा। जी बिल्कुल, अब तो ये 22 तारीख को जब वो पेश होंगे तो उस वक्त वो उन पे फर्द जुर्म आयद होगी और उनको मुझसे पूछा जाएगा कि आप क्या प्लीड करते हैं, क्योंकि जिस तरह क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती हैं उसी तरह से इसकी भी प्रोसीडिंग होगी कि आप गिल्टी हैं कि नॉट गिल्टी। तो अगर वो प्लीड गिल्टी करते हैं तो और बात है, अगर प्लीड नॉट गिल्टी करते हैं फिर और बात है। अगर वो प्लीड गिल्टी करते हैं और कहते हैं हाँ मैंने गलती कर दी, मुझे गलती का एहसास हो गया और मैं अपने आप को कोर्ट के रहम करम पर छोड़ता हूँ कि मुझे माफ़ कर दिया, अगर वो इतनी बात कर दें तो मेरे ख्याल में शायद कोर्ट जो है उनको माफ़ कर दे। ये हो सकता है, ये भी हो सकता है कि ना माफ करे, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी यही है कि शायद कोर्ट माफ कर दे। और अगर माफी नहीं मांगते तो फिर क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं? अगर माफी नहीं मांगते तो फिर उसका ट्रायल होगा, जिस किसी केस का ट्रायल होता है उनको एविडेंस लानी पड़ेगी अपनी डिफेंस में, जी अटॉर्नी जनरल जो है वो प्रोसिक्यूट करेगा उनको और उसके बाद जो डिफेंस के बाद जो फैसला होगा कोर्ट का, अगर वो उसमें अपने जो डिफेंस में ये साबित कर सकते हैं कि मेरा कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मकसद नहीं था, ना मैंने की है, तो फिर तो ठीक है, बच जाएंगे। अगर वो नहीं साबित कर सकते तो फिर उनको सजा हो सकती है मैक्सिमम 6 months इम्प्रिजनमेंट, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि 6 months की इम्प्रिजनमेंट हो, सिर्फ ये कन्विक्शन काफ़ी है। अगर कन्विक्शन हो जाती है तो टिल राइजिंग ऑफ कोर्ट, जिस तरह से यूसुफ रजा गिलानी के केस में हुआ था, अगर वो अरेस्ट हो जाते हैं तो फिर वो 5 साल के लिए नाहल हो जाते हैं। जस्टिस शाहिक उस्मानी साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। शेख, आपके सामने केसेस होंगे दानियाल वाला, तलाल वाला, यूसुफ रजा गिलानी वाला, निहाल हाशमी वाला, मैनी अदर्स, आपको क्या लगा आज सारा दिन प्रोसीडिंग सुनते हुए? आपको लगा नहीं कि मिस्टेक की जा रही है, ड्रैग किया जा रहा है, फ़ौरन अपने आप को अदालत के रहम करम पर छोड़ते और इस केस से खात्मा हो जाता केस का? देखें बिल्कुल मलिक साहब, इसमें मैं आपसे बिल्कुल डिसएग्री नहीं करूँगा, आइडियल सिचुएशन यही थी और यही होना चाहिए था। अगर सहवन या किसी भी तरीके से इस किस्म की कोई वो मिस्टेक हो गई है या स्लिप ऑफ टंग भी हो गया है या जो उन्होंने कहा वो तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, वट एवर रीजन, वो आप उसको जो मर्जी कह लें, वो तो वीडियो पे अगर तोड़ना मरोड़ना तो पॉसिबल नहीं अगर, है अगर, लेकिन जो भी था तो अदालत ने आपको बुला लिया, मौका दिया, तो फिर आपको अनकंडीशनल अपॉलोजी टेंडर करनी चाहिए थी। ये आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन थी। मुझे नहीं पता कि खान साहब की जो टीम ऑफ लॉयर्स है वो कितनी को काबिल है और उन्होंने खान साहब को क्या मशवरा दिया, क्योंकि जिस वक्त अदालत कह रही है कि पहली दफ़ा कि हमें इत्मीनान नहीं है, आप दूसरा जवाब जो है वो जमा कराएं, जो कि एक बहुत बड़ी फेवर थी आप समझते हैं, और वो दूसरा जब जवाब जमा हुआ तो मेरे ख्याल में उसमें फिर जो पिछले सुकम थे, आपको क्यों फर्द जुर्म के लिए बुलाया गया 22 तारीख को? उसकी वजह सिंपल सी है कि ये जो आपका जवाब था इट फेल शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कोर्ट। सर पहला जवाब भी तोकवात के मुताबिक नहीं था, दूसरा जवाब भी तोकवात के मुताबिक नहीं था, और आज पूरा वक्त अदालत ये कहती रही है कि आप स्पाई कर रहे हैं, हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग की तरफ जा रहे हैं, उसके अल्फाज कंटेंप्ट की तरफ जा रहे हैं, ऑब्वियसली उसके अल्फाज ऐसे थे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इनकी लीगल टीम से खान साहब की सख्त बहुत संगीन गलती हुई है, इनको ये नहीं करना चाहिए था। आपको लगता है कि ये हामिद खान या मतलब वो शुएब जो भी साहब है, वो शुएब साहब है, मुझे लगता है ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का बंदा इनको धक्का दे देगा। मेरा नहीं ख्याल ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी हो सकती है, क्योंकि इट कैन लीड टू ये सजा की तरफ लेकर लीड टू डिजास्टर, 5 साल की और ये कोई पॉलिटिकल स्टार्ट, किसी बहुत बड़े काम के लिए जुआ खेला जा रहा है जी पॉलिटिकली, तो एक सेंस बनता है इसके लिए नहीं। मगर मैं ये समझता हूँ कि अब इससे आगे देखना और आगे यही है कि 22 तारीख से पहले अभी अपॉलोजी जो है वो टेंडर की जा सकती है, अनकंडीशनल
गलती हो गई या 22 तारीख को सुबह जाते साथ ही जो आप पहले कह रहे थे वो भी कह देना चाहिए। उसकी एक वजह और भी है, देखें इस केस के अंदर मलिक साहब कोर्ट ने अपने असिस्टेंस के लिए दो अमाइकस मुकर्रर किए थे जिसमें एक मखदूम अली खान साहब है और दूसरे मुनीर मलिक हैं। आप समझते हैं कि ये दोनों एक नहायत ही इम्पार्शल किस्म के बहुत बड़े नाम हैं इस वक्त वकला की दुनिया के, और दोनों ने कोर्ट को यही रिकमेंड किया कि आप सजा की तरफ और इस तरफ न जाएं। सर एक 2014 का केस है, इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में अनवर जहीर जमाली साहब जज साहब के सामने पेश हुए थे कंटेंप्ट में और हामिद खान साहब ने रिग्रेट लिख के इनको माफ़ी दिलाई थी और उस वक्त मुनीर मलिक ने अटर्नी जनरल की हैसियत से उसको रास्ता दिया था। आज हामिद खान साहब की फरमाइश के ही उनको फ्रेंड ऑफ द कोर्ट के तौर पर वहाँ बुलाया गया और उन्होंने वही चीज़ सामने रखी है। लेकिन यहाँ मतहत अदलिया आज जज साहब ने कहा हमारी रेड लाइन है, आप हमें मुझे कुछ कह लें मैं इग्नोर कर आपकी बात से नहीं करता। तो वो अब इनके पास फिर भी मैं समझता हूँ, वैसे तो आपको वकला और जज साहब बता सकते हैं और बताया उन्होंने अभी, मेरी जाती राय यह, मैं कोई वकील नहीं हूँ, मेरा ख्याल है कि खान साहब को ये करना चाहिए और वो करेंगे और बैड पॉलिटिकल स्ट्रेटजी सर। मैं मेरा नहीं ख्याल, मैं फिर आपसे डिसएग्री करूंगा, मेरा नहीं ख्याल पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, इट्स अ बैड लीगल टीम की जो है ना एक बैड जो है वो एक मूव थी जो कि काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए। लीगल टीम का मशवरा था ना तो फिर उन लॉयर्स को कुछ और करना चाहिए अगर वाकई उन्होंने नहीं मशवरा, क्योंकि रात को फिर उन्हें कुछ और काम करना चाहिए। उस टीम लीड जो थे वो मेरे साथ मौजूद थे एक एक और चैनल पे और बार बार उनसे यही बहस हो रही थी और एंकर जो भी साहब थे वो यही पूछ रहे थे कि जी आपने अनकंडीशनल अपॉलोजी क्यों नहीं की। उन्होंने कहा जी मैटर सब जुड़े से मैं इससे गल नहीं करनी, मगर मैं टीवी पे आगे बह गया मगर मैं इससे गल कोई नहीं करनी। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे वकला से खान साहब को बचना चाहिए और इसमें कोई मजाक का नहीं है, अदालतों का हम सब एहतराम करते हैं, खान साहब भी एहतराम करते हैं, अगर ऐसी मिस्टेक हो गई है तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। वो मुझे रांझा साहब आप बैरिस्टर हैं, कुछ आप रोशनी डालें क्या बनेगा अब इस केस में, 22 को क्या होगा? देखिए अगर जिस तरह अदालत ने आज ऑब्जर्वेशंस में और रिमार्क्स में ये बात की है कि हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग की तरफ जा रहे हैं तो ये तो बड़ा क्रिस्टल क्लियर अब हो रहा है कि जो इमरान खान है वो अपनी ज़िद पे खड़े हैं और जो अपॉलोजी अनकंडीशनल अपॉलोजी जो दी जाती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स में, अब बात फिर वहीं पे उस तरफ आ जाती है कि माजी में जो प्रेसिडेंट सेट हो चुके हैं जिसमें तलाल चौधरी का केस है, दानियाल अजीज़ का केस है, फरदौस आशिक अवान का केस है और इस तरह के केसेस हैं जिसमें ये प्रेसिडेंट सेट हो चुके हैं कि अनकंडीशनल अपॉलोजी के बावजूद भी आपकी अपॉलोजी एक्सेप्ट नहीं की गई और उसके बाद आपको मतलब उन्होंने उसकी बेसिस के ऊपर जो सज़ा भी सुना दी जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स की होती हैं। तो ये अब खान साहब के खदशात तो ये हैं कि उन्होंने रेड लाइन तो क्रॉस की है, उन्होंने सीधी सी धमकी लगाई थी जज साहिबा को, अब वो इस तजब्जब का शिकार हैं कि अगर मैं अनकंडीशनल अपॉलोजी की तरफ जाता हूँ तो यकीनन फिर मुझे ये होगा कि वो जो तीन केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो मेरे ख्याल से उस वक्त शायद साकिब निसार साहब थे अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग या शायद गौर थे जिन्होंने ये दानियाल अजीज़ को और तलाल चौधरी को ये सज़ाएँ सुनाई थी, तो अब उस वक्त फिर अगर वो सज़ाएँ सुनाएगी तो ज़ाहिर है वो साकिब निसार साहब तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को देखते भी थे और इमरान खान उनके फैसलों को बहुत अप्रिशिएट भी किया करते थे। जो अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है ना सर रांझा साहब, उसके अंदर उन्होंने PLD 1998 शायद औरंगज़ेब वर्सेस PMLN उसका भी हवाला दिया है, निहाल हाशमी के केस का भी हवाला दिया है, तलाल चौधरी वाले केस का भी हवाला दिया और फिरदौस आशिक अवान के केस का भी हवाला दिया। तो ये केसों की लिस्ट लंबी है, ये मामला संगीन है, मुझे लगता है कि अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इमरान खान इसको। जी अच्छा अब दूसरी बात ये तो उनका एक इमरान का जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि उनकी जो लीगल टीम है या तो वो लीगल टीम की बात सुने, लीगल टीम की वो सुनने वाले नहीं है, वो किसी की भी सुनने वाले नहीं है, वो एक कैफियत है ज़ेहनी कैफियत जिसके बीच में उनके अलावा बाकी सब को ना इल्म है ना सब उस उतने ज़्यादा ईमानदार हैं ना उतना किसी को उनसे ज़्यादा किसी को सियासी स्ट्रैटेजी आती है और ना ही उससे ज़्यादा लीगल स्ट्रैटेजी आती है। अगर तो वो अपने वकला की बात सुने, उनके पास ऑप्शंस कोई भी नहीं, उनके पास बड़ी लिमिटेड सी ऑप्शंस हैं, या डिसएग्री करें और या एग्री करें कि उन्होंने कंटेम्प्ट की है और वो माफ़ी मांगते हैं, और या डिसएग्री करें कि उन्होंने कंटेम्प्ट नहीं की और वो उस तरीके से अपोलोजाइज नहीं करना चाहते। देर इज़ नो इन बिटवीन, कोई ग्रे एरिया नहीं है, इसमें बड़ी क्लैरिटी है और जज साहब उनको यही बता रहे हैं कि आप अपने आप को अदालत के रहमो करम पे छोड़ दें तो हो सकता है
कि जो अदालत ने ये जो फैसलों की एक लिस्ट शाया की है अपने पिछले फैसले में, वो उसकी रोशनी में अदालत कोई फैसला करने पे पहुंच जाए अदालत उज़्मा के फैसलों की बुनियाद पर। लेकिन यहाँ पर खान साहब मेरे ख्याल से अपने वकीलों की भी बात नहीं मान रहे, जिस तरह वो अपने दोस्तों की भी बात नहीं माना करते, और माजी में ये चीज़ गवाह है। अकबर एस बाबर निहाल हाशमी वाले केस में जब निहाल हाशमी ने माफ़ी मांगी थी तो फिर क्या हुआ था राजा साहब, निहाल हाशमी की माफ़ी कबूल हो गई थी? सर सजा सुना दी गई थी ना, तलाल चौधरी साहब ने भी किया था, उनके साथ भी वही हुआ। निहाल हाशमी की माफ़ी कबूल नहीं हुई थी ना, माफ़ी रिजेक्ट हो गई। तलाल की भी माफ़ी कबूल नहीं, माफ़ी कबूल नहीं, माफ़ी कबूल नहीं, माफ़ी कबूल हुई थी। दानियाल अजीज की भी शायद नहीं हुई थी। ये और दानियाल ने आई थिंक माफ़ी अपोलॉजी सबमिट नहीं थी कि उसने अपोलोजाइज नहीं था किया, लेकिन ये बाकी दोनों ने जो मुझे याद पड़ता है कि निहाल हाशमी की अपोलॉजी के ऊपर तो बड़ा सख्त मौकफ था अदालत का, क्योंकि उन्होंने जो जुमले बोले हुए थे अदालत बड़ी गुस्से में थी। यहाँ पे भी जो जज साहबा के ऊपर रिमार्क्स हैं शेख वकास साहब, ये आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों नहीं। ये तो रात को जब वो मीटिंग कर रहे थे इमरान खान अपने वकला के साथ, तो उनको बड़ा क्लियरली नज़र आना चाहिए था कि सामने क्या पड़ा हुआ है और क्या करना क्या है। सर देखें, मैं ये समझता हूँ, मैं दोबारा कहूँगा कि लीगल टीम जो है वो हमेशा रिस्पॉन्सिबल होती है, और ये लीगल टीम कोई आपके या मेरे जैसे आदमी की नहीं है, ये उस आदमी की है जो इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत के ख़िलाफ़ मेन तहरीक को लीड कर रहा है, बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के हेड है। और मैं ये समझता हूँ उनके वकला उस तरह के भी नहीं होते, वो उनको उनके उनको पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस का भी पता होता है, हर चीज़ का पता होता है। जो सियासी आदमी के वकील होते हैं ना, उनकी जमा तफरीकें सारी पूरी होती हैं, और वो यूजली आम तौर पे वो उनकी काबिलियत वाला मामला भी जो है ना जी, वो भी देखना पड़ता है। बहरहाल ये क्लाइंट की को वो एडवाइस करते हैं, और फिर उनको ठीक एडवाइस करना चाहिए था खान साहब को। मैं ये समझता हूँ कि अगर उन्होंने खान को ठीक एडवाइस नहीं किया तो ये उनकी गलती है, और अगर खान साहब ने उनकी बात नहीं सुनी और अपनी मर्ज़ी करवाई है तो फिर खान साहब की गलती है। दोनों सूरतों में, दोनों सूरतों में इस बहस का अब इसलिए फ़ायदा कोई नहीं है कि 22 तारीख आ गई है, वहाँ पे खान साहब पेश हो जाएंगे या उससे पहले। मुझे उम्मीद है कि खान साहब अनकंडीशनल अपॉलॉजी ज़रूर टेंडर करेंगे और इस केस से उनकी जान छूट जाएगी। जहाँ तक आपने निहाल हाशमी साहब की बात की है, मैं इस पर अब लाइटर टोन में मैं आप अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको बता देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की बात है, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाबर आवान भी वो नोटिस मिला, नोटिस मिला की करे, वो याद है आपको बड़ी सुर में गए, तो अपॉलॉजी वो भी टेंडर हो गई थी, उससे भी माफी हो गई थी। नहीं सर, उनका लाइसेंस सस्पेंड रहा बड़ा लंबा अरसा, रावण वापस आ गए वो कुछ अरसे बाद, बहुत लंबा अरसा नहीं था। कहने का मकसद ये है कि ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ये अदालत की तोहीन है, तो इसका तायुन कौन करता है कि तोहीन हुई है या नहीं हुई है, ये अदालत खुद करती है। अदालत ने ही फैसला करना ना, अदालत ने सो मोटो ले लिया या किसी ने दरख्वास्त दे दी, उन्होंने आपको बुला लिया, आज ये अदालत की बेइज्जती हुई है। अब जब अदालत ने तायुन करना है और फिर अदालत ने ही सज़ा देनी है या फिर उसमें जजा या माफ़ी का मामला है, तो फिर किसी को क्या इससे पड़ा है, वहाँ अदालत मौजूद है। अगर वो सर ये बड़ा अहम मामला, एक बंदे के पॉलिटिकल कैरियर का मामला है। इरफान कादर साहब हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, इरफान कादर साहब बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। क्या आपकी तवक्को के मुताबिक आज इमरान का रिस्पांस था, या आप सोचते थे कि वो एक अनकंडीशनल अपोलॉजी करके इस मामले को आज यहाँ निबेड़ लेंगे, संभाल लेंगे, ख़त्म हो जाए यहीं पर? एग्जैक्टली मेरी तवक्को के मुताबिक था, क्योंकि जब ये फैसला आया इससे एक घंटा पहले मैंने एग्जैक्टली यही बातें की थी कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के लिए बहुत मुश्किल होगा कि इसमें कोई माफी खिलाफी का रास्ता जो है वो अपनाएं, वो पॉसिबल ही नहीं था। और ये मैंने सिर्फ आज ही राय नहीं दी थी, बल्कि तवक्कर से पिछले 3-4 दिन से मैं यही राय दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो जुडिशियल प्रेसिडेंट इस वक्त हैं उसके मुताबिक बहुत से लोगों ने माफियाँ मांगी हैं, लेकिन उनकी माफियां नहीं मांगी गई, खासतौर से उन लोगों ने जिन्होंने डोमेस्टिक फोरम्स में बात की है, जैसे निहाल साहब हैं, तलाल साहब हैं, दानियाल साहब हैं, और फिर वो आईजी पुलिस थे या वो पुलिस के अफसर थे जिन्होंने इफ्तिखार चौधरी साहब के मामले में उनके साथ उनके तजादात हुए थे और उसमें उन्होंने माफिया मांगी थी, लेकिन अदालत ने उनकी माफिया नहीं मांगी। यहाँ पे इन्होंने भरे जलसे में जो बातें कर दी हैं, और खासतौर से इनको जब 2013 में माफी मिल गई थी तो उसके ऊपर अब एक और माफी का मिल जाना जो है वो उनका जो आखिरी पैराग्राफ है 2013 के फैसले में उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि आइंदा कभी इस तरह के अल्फाज ये नहीं इस्तेमाल करेंगे जिससे के अदारों की साख मजरू हो। उसके बावजूद ये आइंदा हो गया, जबकि उनके वकील जो थे हामिद खान साहब वो आज ये दलाइल दे रहे थे कि आइंदा नहीं होगा, तो आइंदा तो हो चुका है।
और इसीलिए अदालत ने इनको बहुत टाइम दिया, दो हफ्ते का टाइम दिया, वरना तो डे टू डे करके दो तीन दिन में इनको कंटेम्प्ट लगाई जा सकती थी। दो हफ्ते का टाइम दिया है कि भाई अभी भी अगर आप बच सकते हैं तो बच जाएं, वरना फिर हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है। और अदालत खुद भी अपने आप को महसूस कर रही है कि ऑन ट्रायल है, क्योंकि अदलिया के जो फैसले हैं इससे माफी के ऊपर, माफी जो है कि किसी ने सच के दिल से माफी मांगी है या नहीं मांगी, ये बड़ी सब्जेक्टिव चीज है। और ये इतनी सब्जेक्टिव चीज है कि जो माफी मांगने वाला है वो जानता है कि सच के दिल से मांगी है कि नहीं मांगी, या वो शख्स या वो खुदा ताला जानते हैं कि इसने सच के दिल से मांगी माफी मांगी है। आज जब अदालत के अंदर प्रोसीडिंग चल रही थी तो मुझे लगा कि अदालत की मर्जी और मंशा अभी भी ये थी कि इमरान नदामत का इजहार करते हुए खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ते और अनकंडीशनल अपोलॉजी एक्सटेंड कर देते। मुझे ये लग रहा था वो टाइम दे रहे हैं। जब हामिद खान आर्गूमेंट कर रहे थे या वो शोएब शाहीन आर्गूमेंट कर रहे थे, तो मुझे लगा कि दोनों दफ़ा अदालत का दिल ये है कि इमरान उठे और माफ़ी मांग लें ताकि मामला सिमट जाए यहाँ पे, लेकिन वो हुआ ही नहीं। इमरान ने माफ़ी नहीं मांगी, ये थोड़ा सरप्राइजिंग नहीं था? नहीं, नदीम साहब, इमरान ने माफी मांगी और बड़े जोर से मांगी, और इस तरीके से माफी मांगी कि अदालत को लगे कि माफी मांग रहा हूं, लेकिन उनके जो सपोर्टर हैं उनको लगे कि नहीं, इन्होंने माफी नहीं मांगी। तो उन्होंने लफ्ज क्या इस्तेमाल किए, मुझे बड़ा अफसोस है। अफसोस जब आप कहते हैं तो आप अपनी गलती का एतराफ कर रहे होते हैं। अफसोस में अंग्रेजी का लफ्ज है रिमोर्स, जब आप रिमोर्स एक्सप्रेस कर देते हैं तो इससे बड़ी माफी और कोई नहीं होती। और ये क्योंकि माफी के सर पे जो कहते हैं ना सींग नहीं होते, माफी वही है कि जब आपने कह दिया, अफसोस का इजहार कर दिया तो आपने माफी मांग ली। तो इन्होंने एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की। पहला शिकार था कि अदालत को बता दें कि हम माफी मांग रहे हैं, और दूसरा शिकार था कि अपनी जो पॉपुलैरिटी उनकी बढ़ रही है जबरदस्त तकरीरें करके, वो उस पॉपुलैरिटी को भी यूज नहीं करना चाह रहे हैं। तो एक तरफ वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी ईगो को बचा लें, और दूसरी तरफ जो कानून ऑलरेडी सारे सब्जेक्ट पे आ चुका है उस कानून को वो गिराना चाह रहे हैं। तो इस वक्त अगर वो अपनी ईगो को बचाते हैं तो कानून गिरता है, और अगर कानून को गिराते हैं तो ईगो बचती है। तो बड़ा लीडर वो होता है जो अपनी ईगो को गिरा देता है, सही है, और कानून को बचा लेता है। अगर इनमें इतनी ताकत है और बड़े लीडर हैं, इनको चाहिए इस वक्त जाके नेशनल असेंबली में बैठे हैं लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन 130 बंदों को ले जाए वहां, और उसके बाद तमाम पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी से रिकंसिलिएशन करें, और ये पाकिस्तान में जो पार्लियामान कमजोर हो रही है उसको मजबूत करें। और ये जो जजेस रोज इनको बुलाते हैं कि सारे पार्लियामेंटेरियन आके लाइन लगा के आ जाए, वंस फॉर ऑल कंटेम्प्ट के लॉ को भी नया कानून बनाए। सारी दुनिया में अगर आप कंटेम्प्ट किसी जज की करते हैं तो उस पर जजेस नहीं प्रोसीड किया करते। और अभी मैं उनको सुन रहा था, विकास साहब को ठीक कह रहे हैं कि अदालत जो है वो उसकी तो कोशिश होती है कि वो माफ करे, लेकिन पाकिस्तान में जो कानून अब तक राइजल वक्त बन चुका है उसमें तो माफी का खाना ही खाली हो गया है। तो इस वक्त अगर ये पार्लियामान को मजबूत करते हैं और ऐसा कानून लाते हैं, और इनके जो माबनीन थे आज अदालत में उन्होंने भी यही बात की थी कि आप सर ब्रेक कादर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल ले जी, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी कहते हैं। इमरान ने गुज़श्ता रोज़ जलसे में जो फौज और अदलिया के ऊपर तंकीद थी उसको बड़े एक नया इंटरेस्टिंग वे में बयान किया कि वो क्या सोचते हैं, दिखाइएगा। अपनी अदलिया और अपनी फौज, कभी भी मैंने इनकी तनकीद की तो मेरी कोशिश होती है कि तामीरी तनकीद की जाए, जिस तरह बाप अपने बेटे के लिए करता है, उसको तनकीद करता है ताकि वो बेहतर इंसान बने। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर इदारा बेहतर हो, हम कभी अपने मुल्क के इदारों को कमजोर करने कभी भी हमने कोशिश नहीं की, ना करेंगे। सलमान नकम राजा साहब हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। सलमान राजा साहब, बाप वाली तनकीद है, कंटेम्प्ट है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, और साथ फौज के ऊपर भी देखें तो मुहिब्बे वतन जर्नैल चाहिए, ये वो अल्फाज हैं जिसके ऊपर रद्दे मला रहा है। एक तरफ अदालत खड़ी है, दूसरी तरफ ISPR ने बयान जारी किया, आपको क्या लगता है अब क्या होने जा रहा है? देखिए, आज के बाद तो जाहिर है बात अब वाजे है कि इस वक्त तक जो मौकफ अपनाया है इमरान खान साहब के वकला ने, अदालत को वो काबिले कबूल नहीं है। अदालत तवक्को कर रही थी कि गैर मशरूत माफ़ी मांगी जाएगी, अदालत अपना जहन बयान कर चुकी है कि अदालत की नज़र में जो कुछ कहा गया
زیبہ چودھری صاحبہ ایڈیشنل سیشن جج کے حوالے سے وہ بادی النظر میں توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے, کرمنل کنٹیمپٹ کے زمرے میں آتا ہے, اور کرمنل کنٹیمپٹ بہت ہی سنگین نوعیت کی توہین عدالت سمجھی جاتی ہے. اس میں آپ پہ یہ الزام ہوتا ہے کہ آپ نے کسی جج, اور اس یہاں جج کا ہی معاملہ ہے, کو ہراساں کرنے کی کوشش کی ہے, خوفزدہ کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ وہ اپنے جو امور ہیں سر انجام ٹھیک طور سے نہ دے سکے. تو یہ بہت ہی سنگین معاملہ تھا اور ہے, اور میری نظر میں تو میری معافی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. اور جب فرد جرم عائد ہو جائے اس کے بعد بھی معافی مانگی جا سکتی ہے, لیکن معافی کے قبول ہونے کے امکانات قدرے کم ہو جاتے ہیں. تو اب بڑا حساس, اب آپ کو کیا لگتا ہے جب 22 کو پیشی ہوگی تو آپ نے کہا کہ امکانات کم ہو جاتے ہیں, اگر عمران سوچتے ہیں کہ مجھے 22 کو معافی مانگنی ہے تو عدالت اب کیا دیکھے گی کہ کیا یہ خلوص نیت سے معافی مانگ رہے ہیں یا صرف اب فرد جرم عائد ہو رہی ہے تو ڈر کے معافی مانگ رہے ہیں, عدالت اس چیز کو بھی دیکھے گی اب؟ یہ بالکل یہ چیز دیکھی جاتی ہے, اور ماضی میں جن فیصلوں میں فرد جرم عائد ہونے کے بعد معافی کو قبول نہیں کیا گیا ان میں یہی کہا گیا ہے کہ یہ معافی اب خوف کی وجہ سے مانگی گئی ہے, حقیقی ندامت کی وجہ سے نہیں مانگی گئی. لہٰذا میری توقع یہ ہوگی اور خواہش بھی ہوگی کہ آج اور 22 تاریخ کے دوران کوئی ایسا عمل ہو, خواہ وہ جج صاحبہ سے معافی مانگیں یا کوئی اور بات کریں, تاکہ ایک ندامت کا اظہار جو ہے وہ ہو اور لگے کہ خلوص دل سے ندامت ہے, اور اس کے بعد معافی مانگی جائے. اچھا, اس میں سلمان راجہ صاحب جو کیسز کا حوالہ ہے وہ شاہد اورکزئی اور پی ایم ایل این کا ایک کیس کا حوالہ دیا گیا ہے, اس میں فردوس عاشق اوان کے کیس کا حوالہ ہے اور نہال ہاشمی والے کیس کا حوالہ ہے, باقی ساروں کو تو مجھے یاد نہیں ہے, لیکن نہال ہاشمی کا تو بڑا پکا ہے کہ وہ معافی مانگتے رہے تھے, ان کی معافی قبول نہیں تھی ہوئی آخر میں. دیکھیں, توہین عدالت کے حوالے سے کوئی مستحکم نظیر نہیں ہے. آپ کو بے شمار مقدمے مل جائیں گے جہاں معافی مانگی گئی اور معافی قبول ہوئی, بلکہ بڑی روایت یہی ہے عام طور پہ اگر معافی مانگ لی جائے تو اس کو قبول کر لیا جاتا ہے, لیکن یہ عدالت پر ظاہر بندش نہیں ہے کہ معافی مانگی تو اس کو ضرور قبول کرنا ہے. تو مقدمے آپ کو وہ بھی مل جاتے ہیں جیسا آپ نے ذکر کیا, جہاں معافی مانگی گئی اور معافی کو قبول نہیں کیا گیا. عدالت دیکھتی ہے کہ معافی کس تناظر میں مانگی گئی, کہا کیا گیا تھا, جرم بادی النظر میں کتنا بڑا ہے, اور معافی مانگنے والے کی ندامت جو ہے وہ کتنی پرخلوص ہے, یہ تمام باتیں دیکھی جاتی ہیں. لہٰذا یہ کہنا کہ معافی ضرور قبول ہوگی یا معافی ہرگز قبول نہیں ہوگی ممکن نہیں ہے. اچھا رانجا صاحب, دو تین معاملات جڑ گئے ہیں, ایک توشہ خانہ والا معاملہ بھی جڑا ہوا ہے, وہاں پہ بھی بیرسٹر علی ظفر نے جواب داخل کیا ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ وہ سٹیٹمنٹ آف جو الیکشن کمیشن میں داخل کروائی تھی اس میں شاید انہوں نے تذکرہ کیا ہوا ہے کہ کچھ چیزیں رہ گئی ہوں, لیکن ٹیکس ریٹرنز کے اندر پوری تفصیل موجود ہے. پھر وہ فارن فنڈنگ والا کیس بھی سر پہ تلوار لٹک رہی ہے, ساتھ یہ کیس کنٹیمپٹ والا لٹک گیا, کتنی چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں. تو پرہیپس عمران خان کو اپنی لیگل اسٹریٹجی اور پولیٹیکل اسٹریٹجی کو تھوڑا بہت دوبارہ سے ریسیس کرنے کی ضرورت ہے کہ کیسے لے کر آگے چلنا. دیکھیے, پہلے تو بات یہ کہ یہ تو پھر ظاہر ہے ندیم صاحب, اس پہ تو کوئی پی ٹی آئی کا ہی بندہ بتا سکے گا کہ ان کی اسٹریٹجی میں کیا کیا نقائص ہیں. جہاں تک ان کے, میں عمران کا جو بڑا ایک سمجھتا ہوں, ان کے آس پاس جو لائرز ہیں میں ان کو بھی دیکھتا رہتا ہوں, ان کی بھی باتیں سنتا رہتا ہوں. جس طرح سلمان راجہ صاحب نے فرمایا ہے کہ اپالوجی ہوتی ہے انکنڈیشنل اپالوجی, اور جو اس سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ مجھے انتہائی افسوس ہے, تو افسوس میں اور معذرت میں اب بڑا فرق ہے ان دونوں میں, الفاظ میں ہی بڑا فرق ہے. معذرت ہے کہ اب وہی اپنا ایک طرف وہ اپنا آڈینس بچانے کی کوشش کریں, کیونکہ آڈینس جو ہے جس کی بنیاد ہی رکھی گئی ہے انا پہ, ہم کوئی غلام ہیں, میں کسی کی نہیں بات سنوں گا, اور اس طرح کی اس کی جو لائنز پنچ لائنز بنائی ہوئی ہیں وہ ایک طرف ہیں, ایک طرف جو اور وہ ساری کی ساری انا پہ کھڑی ہوئی ہیں, کسی کو عقل اپنے سے بہتر نہ سمجھنا. آپ دیکھ لیں عمران خان کی ساری زندگی کا اگر آپ مطالعہ کر لیں تو ان کے آپ کو دیکھیں گے کہ قریبی دوست جتنے بھی ہیں یا ان کو چھوڑ چکے ہیں اور یا عمران خان ان کو چھوڑ دیے. کوئی ایسا مجھے دوست بتائیں جو ان سے پہلے دن سے لے کے آج تک ان کے ساتھ کھڑا ہو. اسی طریقے سے ان کے جو ان کے ساتھی تھے, ان کے الائز تھے, یا ان کے ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی جو تھے, وہ جو آج چند لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے, یقین مانیے وہ مہنگائی کا معاملہ ہے, اس میں عمران خان کا کچھ نہیں ہے.
इमरान खान इज़ नॉट अ इशू, वो महंगाई की वजह से उनको एक बेनिफिट मिल रहा है और ये जो हाइप डेवलप हो रही है, लेकिन उसके बीच में सबसे बड़ी चीज़ है कि इमरान की अपनी अना है। आप देखें, अगर बुशरा बेगम की करप्शन के ऊपर बात की जाए तो अदारे बुरे हो जाते हैं, अगर उस्मान बुज़दार साहब की करप्शन के बारे में बात की जाए तो अदारे बुरे हो जाते हैं, अगर इमरान खान को ये बताया जाए कि आप ये तहाइफ जो ले रहे हैं और आप ये डिक्लेयर नहीं कर रहे और ये इनकी जो वैल्यूएशन है वो गलत की गई है तो आप बुरे हो जाते हैं, और फिर अगर आप पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग ना करें, एमएनएज एमपीएस की हाज़िरी अगर लगाएं तो अदारे अच्छे हैं, अगर उनकी मंशा और मर्ज़ी के बगैर हाज़िरी एमएनएज एमपीएस की ना लगवाएं तो अदारे बुरे हैं, अगर कोई वोट आ जाए तो वोट पे अगर इमरान खान को के मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली को कहा जाए कि इमरान खान को या तहरीक इंसाफ को वोट डालें तो अदारे अच्छे हैं, और अगर कहा जाए कि आप वोट ना डालें या सपोर्ट करें इमरान खान को तो अदारे बुरे, तो ना डालें तो या न्यूट्रल हो जाए कुछ ना कहें तो जो है वो अदारे बुरे हैं। तो आप यहाँ से देख लें कि इमरान का मसला, सबसे बड़ा मसला उसकी ईगो है, और अगर वो पाकिस्तान से बड़ी ईगो नहीं है, और यही बात है ना, हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान और इमरान अब दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते, और आप ये देखें कि आप उनके शौकत तरीन का मसला देखें, IMF प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम जिसको बहुत सारे बड़ों से पूछे ना तो वो कहते हैं कि मैं ये जो मैं है ये मैं बंदे को मार देती है, तो मैं को इतना सर के ऊपर सवार नहीं करना चाहिए, लेकिन बहरहाल अभी सियासत एक ऐसी इमरान की स्टेज के ऊपर है जहाँ मैं उनकी बहुत मैटर कर रही है। पंजाब हुकूमत गिराने के ऊपर भी गुज़श्ता रोज उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, दिखाई गई थी, हमारी पंजाब की हुकूमत को गिराने की कोशिश हो रही है, और कोशिश कैसे हो रही है, लोटे बनाने की कोशिश हो रही है, चोरों का पैसा चल रहा है, और साथ फिर मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई वो भी तैयार हो गए, वो जाके धमकियां दे रहे हैं कि अगर तुमने ना गए दूसरी तरफ तो हम ये कर देंगे। मैं आज इन सबसे सवाल पूछता हूँ, क्या तुम्हें पाकिस्तान की फिक्र है? आज यहाँ से पैगाम देता हूँ, जो मर्जी कर लो, मेरा चैलेंज है तुम्हें, तुम शिकस्त खाओगे, तुम हारोगे। शेख वकास साहब, ये कौन से एक्स वाई पंजाब को मंगिरा, पंजाब को मंगिरा रहे हैं? पता नहीं, मेरे तो मैं तो नहीं बिल्कुल वसूख से कह सकता वो कौन होंगे, लेकिन इज देयर एनी सच अटेम्प्ट कि पंजाब को मैं बंदे पिछले पिछले मलिक साहब पिछले को 5-7 दिनों से इस किस्म की गुफ्तगु शनीद जो है वो ऐवानों में और कॉरिडोर्स ऑफ पार में बिल्कुल ज़ेर बहस है कि पंजाब हुकूमत जो है वो माइट बी टॉपल्ड, और उसके लिए ऑब्वियसली को कोशिशें हुई हैं, तो खान साहब को ये चीज़ ट्रिगर किया है कि उनको ये कहना पड़ गया है कि एक्शन वाई भी शामिल हो गए। लेकिन वहाँ तो एक केस है अभी चौधरी शुजात वाला, अगर उसी का डिसीजन हो जाए तो बहुत सारा रास्ता तो वहीं से खुल जाता है। हाँ, खुल जाता है। काफ़ी का सरबराह शुजात है, अगर तो काम वहीं पे चैप्टर क्लोज। इलेक्शन कमीशन के ऊपर डिपेंड करता है वो किस किस्म का फैसला करते हैं। लीगल मैटर जिसके ऊपर फैसला होता है, बिल्कुल ये लीगल मैटर है और ये उनका अख्तियार है, वो इसका फैसला कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उसको चैलेंज भी किया है। तो बहरहाल ये देखें ना, जब आप इस पे एतराज़ किसी को भी नहीं करना चाहिए, अगर आप अपनी मेजॉरिटी मेंटेन नहीं कर सकेंगे और दूसरे जो है वो इतनी मेजॉरिटी रख लेते हैं कि वो आपको टॉपल कर सकते हैं तो ठीक है, आप अपने बंदे राजी रखें। देखें कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी वहाँ काफली के फोटो का फर्क है, अगर वो वोट टूट जाते हैं, या जैसे उधर शरदपुरी ने आके इस्तीफा दे दिया था कि ये लो मेरा इस्तीफा, मैं उसका भी हो रहा हूं, तो उसने बंदे पूरे करने में रोल अदा कर दिया है, एट द एंड ऑफ द डे इट विल बी इलेक्शनियरिंग। मगर देखिए अब इन हालात में ये कितना मुनासिब है कितना नहीं मुनासिब है, आगे ऑलरेडी आपने एक हुकूमत ले के अदम एतमाद करके अपने गले क्या मसला डाला जिसके आप कहते हैं, वो तो नून लीग को बहुत मजा आया होगा उसके बाद एंजॉय कर रहे हैं, अब वो एंजॉय कर रहे हैं, कहते हैं जी बुखार, मौत दिखा के बुखार दिया तो एक और बुखार लेने की जरूरत कोई नहीं। एक और बात जरूरी है, मोहसिन भाई मेरा अजीज है, मेरा भाई है, उन्होंने बार बार कहा जी के इदारे ये करें तो ठीक है, इदारे वो करें तो ठीक है, ये करें तो ठीक है। मैं इतना सा रिस्पॉन्स करना जरूरी समझता हूँ कि मैंने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और इनकी पार्टी के मुंह से भी इदारों के बारे में ये दोनों डायलॉग सुने हुए हैं, जब मेरे हक में फैसला हो तो इदारे ठीक है, जब मेरे खिलाफ फैसला हो तो ठीक है, जब मैंने डिस्क्वालीफाई करो तो इदारा ठीक है, जब मैंने अस्पताल वास्ते बाहर मुल्क तू बाहर सजा के बावजूद बेच छोड़ो तो इदारे ठीक ने, जब आप गुजरा वाले जलसे में उसी अपना सिपा सालार को पुकारे 18 दफ़ा तो उस वक्त वो गलत हैं, मगर अब क्योंकि आप हुकूमत में हैं तो वो ठीक। सो ये बदकिस्मती है मलिक साहब इस मुल्क की कि जिस वक्त कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या उनका चीफ या उनके हालात बुरे होते हैं उस वक्त उनको हर चीज़ में अच्छा और बुरा नज़र आना चाहिए। काश हमारे हुक्मरानों को हर पार्टी के, मैं एक आज़ाद हैसियत में ये बात कर रहा हूँ, चाहे इमरान खान साहब हों और चाहे मियां नवाज शरीफ साहब हों, ये सारियाँ सुरा इन्होंने वो सिले पैन के सिले कुर्सी पर बैठे होंगे, एक उस वक्त अगर इनको चीज़ें समझ आए ना, मसलन खान साहब ने भी कहा ना बाप की तरह मैं फौज को समझाता हूँ, हमारे वज़ीर आज़म थे तो काश जिस वक्त वहाँ बैठे थे ताकत थी उस समझा लेंदे प्यो की तरह ना,
उसले जजा समझा लेंगे या उसले फौज समझा सर, उस वक्त तो कहने का ये मकसद है बंदे पूरे करने के लिए, कहने का ये मकसद है कि हम तमाम सियासी क्यादत को ये अच्छी बुरी चीजें उसी वक्त नजर आती हैं जैसे साढ़े पल्ले कुछ नहीं जाऊंगा। सलमान अकबर राजा साहब, एक जो बयान है उनका दो तीन रोज से उसके ऊपर भी बहुत लहदे हुई और वो था कि मुहिब्बे वतन जो जनरल है किसी को उसको आर्मी चीफ बनना चाहिए और नवाज शरीफ भगोड़े को और जरदारी चोरों और डाकुओं को इनको लगाने का मौका नहीं मिलना चाहिए। बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट था ये मामला भी सर के ऊपर है, ज़्यादा दूर नहीं है, करीब में है लगाना इसको। अगर इमरान खान उसको भी ललकारा तो फिर क्या बनेगा? देखिए ये सब सियासत की बात है ना, इसमें बज़ाहिर कोई जुर्म नहीं है, कोई कानूनी ये मामला नहीं है, ये एक सियासी हिकमत अमली भी हो सकती है, सियासी गलती भी हो सकती है। अब एक गुफ्तगू हो गई, वो शायद ज़्यादा कुछ कह गए, कहना शायद कुछ और चाहते हों या मुमकिन है यही कहना चाहते हों, लेकिन इसका ताल्लुक मैं समझता हूँ खालिस्तन सियासत से है। सियासत तो यकीनन है उसके अंदर, क्योंकि नए चीफ की तैनाती के ऊपर पाकिस्तान में तमाम सियासतदान भी देख रहे होते हैं कि किसने आना है। और इमरान खान तो इस वक्त जिस पोजीशन के ऊपर है यकीनन वो एक सोच समझ के उन्होंने बयान दिया होगा। मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें कुछ स्लिप ऑफ टंग का इशू था, इम्प्लीकेशन इसकी मुख्तलिफ हो सकती हैं, क्योंकि अदारे को आप अपने खिलाफ क्यों खड़ा कर रहे हैं इसकी कोई लॉजिक नहीं समझ आती। जी ऐसा ही है, अब राजा साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं या नहीं? नहीं ठीक है, नहीं आप फरमाइए शेख वकार साहब। इसमें सीधी सीधी बात है, ये मेरे ख्याल में ज्यादा कह गया और ज्यादा खान साहब को, इसलिए कि एक मैकेनिज्म मौजूद है, एक प्रैक्टिस मौजूद है सर। वैसे भी किसी को मुहिब्बे वतन और गैर मुहिब्बे वतन के नाल कहना ये थोड़ा ज्यादती वाला बयान है, परहेज करनी चाहिए। जिस तरह हम चंद दिन पहले कह रहे थे कि आपने वजीर आजम साहब का वजीर आजम पे दहशत गर्दी का पर्चा दिया, तो यहाँ बहस चल रही थी यार साहब का वजीर आजम दहशत, जो आदमी कप्तान से सेकेंड लेफ्टिनेंट से कप्तान होते हुए लेफ्टिनेंट जनरल तक पहुँच के वो उन पांच छह जर्नैलों की दौड़ में पहुंच जाता है जिनमें से किसी एक ने आर्मी चीफ बनना है, उसकी हुबल वतनी के ऊपर शक करना ये तो जुल्म है, ये तो गलत है और ये तो ज्यादा। और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के बानी ये अल्फाज आने ज्यादा बुरा लगता है, और किसी भी अपॉइंटमेंट को उस अपॉइंटमेंट से पहले कॉन्ट्रोवर्शल करना ये भी ज्यादती है, ये किसी को नहीं करना चाहिए। और इसमें मजे की बात यह है कि हर पार्टी ये करती रही है, नून लीग भी ये करती रही है, पीटीआई भी उस टगर पर चल पड़ी है। मेरे ख्याल में अब एस्टेब्लिशमेंट को इनके आगे हाथ जोड़ देने चाहिए और सारे मगरों ले जाओ, और एक काम इस्टेब्लिशमेंट को भी करना चाहिए। वो जो आईजीआई वाला मॉडल है ना, फिर वो 2018 में रिपीट हुआ है, मुझे उस पर इतराज़ है। इस्टेब्लिशमेंट ये फौज हमारा वाहद इदारा है जहाँ एक प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट स्ट्रक्चर है, उन्हें अपने आप को इनसे दूर रखना चाहिए। हुकूमत बनती है जाती है आती है, देखे ना यार ये वोटों के पीछे भागते हैं सियासतदान, इतने लीडर तो है कोई नहीं, सियासतदान में ये वोटों के पीछे भागते हैं, कौन सा काम करूँ मेरी चार पर्चियाँ बढ़ जाए, कौन सा काम करूँ मेरी दो पर्चियाँ बढ़ जाए। रंजा साहब इस पर कुछ बोलेंगे आप भी? ये एक मेरे ख्याल में बड़ा अहम इशू है जो आपकी हुकूमत के सामने चैलेंज है। जी 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 नदीम साहब, मैं अगर आप कहें तो मैं गुजारिश करूं, वो ये कि देखें जहां तक ये एक तारीख है और हम सब लोग समझ चुके हैं, और इस पे अब मैं समझता हूं कि जिस तरह से शेख वकास भी कह रहे हैं कि बड़ी वाज़ह सी बात है, ये एक हर बंदे को समझ आ जानी चाहिए, ये हमें भी समझ है, और अगर हम ये नहीं समझने की कोशिश करेंगे तो फिर भी मेरे ख्याल से ये ना समझी होगी कि फ़ौज का एक अपना तरीक़ाकार है काम करने का, अदलिया का एक अपना काम है, तरीक़ाकार है काम करने का, वो उन तरीक़ाकार के बीच में ही रहेंगे। अगर आप अपनी मर्ज़ी का चीफ़ लगा भी लेंगे तो आप अगर ये समझ रहे हैं कि मर्ज़ी का चीफ़ जो है वो आपकी मर्ज़ी करेगा, ये बिल्कुल आप पाकिस्तान की सियासी तारीख भी और एडमिनिस्ट्रेशन की तारीख भी उठा के देख लें, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। इमरान खान को ये अगर वज़ीर आज़म बन के इस चीज़ का तजर्बा नहीं हुआ कि इतने उसके सामने मसाले मौजूद हैं, अगर वो सारी मसाले देख लें, हमारे सामने भी मौजूद है, हमें भी इनको देखना चाहिए कि अगर हम ये समझते हैं कि ये अपना या जिस तरीके से वज़ीर आज़म साहब करेंगे उस तरीके से ये काम करेंगे, तो वो उनका अपना तरीक़ाकार है, वो हमेशा हर एक को पता है, ये किसी ये शेख वकास को भी पता है, ये मुझे भी पता है, ये सलमान राजा साहब को भी पता है, ये आपको भी पता है। बाकी रहेगी बात कि एक चार या पांच लोगों जितनों का भी पैनल जाएगा, वो बंदा जो लेफ्टिनेंट से शुरू होके जनरल तक गया है, जिसने सियाचिन के ग्लेशियर से लेके कहां कहां पर उसने काम किया है,
और वो उस अमल में भी नहीं आता जिनके ऊपर खान साहब को इतराज़ है या खान साहब के मसाइल हैं, आपने उसको भी मुतनाज़ा कर दिया ये बयान दे के। मैं समझता हूँ ये बहुत ही गैर मुनासिब किस्म का बयान था और इमरान खान को ये बयान नहीं देना चाहिए। मैंने दो बातें की हैं, मेरी पहली बात को भी समझना चाहिए जो मैं बात कर रहा हूँ, और ये ना समझिए इमरान खान की कि वज़ीर आज़म बन के भी वो ये नहीं समझ सका। अगर वो डीजी आईएसआई का जब डिसीजन हुआ था, अगर वो उस वक्त भी नहीं समझ सका, जो सीनियर जो 5-6-7 जितने भी लोग होंगे इनमें, वो ज़्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने प्रैक्टिकली ज़र्ब अज़ब ऑपरेशन के दौरान मुख्तलिफ मार्कों में अमली तौर पर हिस्सा लिया हुआ, नॉर्थ वज़ीरिस्तान में, स्वात में, और एजेंसी में कोई हिस्सा जिन पर लगा होगा। लेकिन ये वाले स्टेटमेंट कंट्रोवर्शियल है, इमरान को ऐसे अल्फाज का चुनाव परहेज़ करनी चाहिए। ये हमेशा कहना चाहिए कि फ़ौज का सियासत में अमल दखल नहीं होना चाहिए, लेकिन ये वाले अल्फाज जो थे ये दुरुस्त नहीं थे, या तो वो मेरे ख्याल है वो ज़्यादा ही जज्बाती हो जाते हैं। मैं इससे आपसे बिल्कुल डिसएग्री नहीं करूँगा, आई एग्री विद इट, एंड ये बदकिस्मती है कि ये हर पार्टी के लोग जो है वो अपनी सियासी मुहिम के अंदर इस तरह करते हैं, नून लीग से लेकर पीपल्स पार्टी तक। तो याद नहीं है जरदारी साहब ने फिर दौड़ गए सन, जरदारी साहब ने जो डायलॉग बोले थे, बजा दूंगा उसके बाद, लेकिन उन्होंने अल्फाज मेरे ख्याल काफी हद तक उनकी तलाफी करने के लिए जोश, आपकी तबीयत और आपकी एनर्जी के हिसाब से अल्फाज होते हैं, ये इन सब ने इस्तेमाल किए हैं। ये सब ब्लैकमेल करना चाहते हैं कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट को, कि साढ़ा कोई फ़ायदा हो जाए, कोई अपने वास्ते कोई अपने खिलाफ। सो मैं ये समझता हूँ इन सब को उनकी जान छोड़ देनी चाहिए, अपने काम से काम रखें, अपनी परफॉर्मेंस की तरफ तवज्जो दें। अभी जो एक इरफान कादर साहब ने एक जुमला बोला ना, वो इमरान करेंगे नहीं, लेकिन अभी प्रॉबेबली दैट इज़ द बेस्ट वे आउट कि वो पार्लियामेंट में पीटीआई वापस चली जाए और वहाँ जाके लॉ को भी ठीक कर लें और आगे इलेक्शन का भी माहौल बना लें, सारा कुछ सीधा हो सकता है। लेकिन लॉ को कैसे ठीक कर सकती है, उनकी को कौन सी को मेजोरिटी है, वो वापस भी चले जाए। नहीं, नून लीग साथ बैठी है, कल को इनके भी तो गले पड़ना है सर। नून लीग इसके लिए ये चाहिए सर, और वीएन चाहिए इसके लिए, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज है ना। वो एक पॉलिटिकल पार्टी एट द एंड ऑफ द डे, वो कोई ऐसा इनिशिएटिव जिसको नून लीग लीड करे अपनी गिरती हुई साख के साथ, उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। तो आपका मतलब है ये सड़कों पर माहौल रहेगा? देखें, ये भी सड़कों पर रहेगा, ये भी चंद दिन में सड़कों पर, सारी सड़कों पर। बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब और मोहसिन शाहनवाज रांझा, प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।